बहादुर शाह जफर पर जो ये मुकदमा चलाया गया वो 1858 का है, जब इंडियन पिनल कोड जो 1860 का है वो नहीं था और इस किसी भी अपराध की कोई भी परिभाषा सुनिश्चित नहीं की गई थी। तो इसीलिए अंग्रेजों ने उस अपराध की परिभाषा अपने हिसाब से सुनिश्चित की और जफर पर लगाए गए चारों आरोपों को उन्होंने आसानी से साबित कर लिया। कुल मिला के इस मुकदमे में अंग्रेजों ने 21 गवाहों को पेश किया। उन 21 गवाहों में से जफर के वकील ने केवल 6 गवाहों को क्रॉस एग्जामिन किया। कोर्ट की जो कार्यवाही थी वो अंग्रेजी में हो रही थी और जफर को अंग्रेजी समझ में नहीं आती थी और अंग्रेजों को उर्दू समझ में नहीं आती थी, इसलिए दोनों पक्ष एक दूसरे को कितनी अपनी बात समझा पाए ये कहना मुश्किल है। और इस काम के लिए अंग्रेजों ने जितने भी उर्दू के दस्तावेज थे उसको अंग्रेजी में ट्रांसलेट भी किया और वो जो अंग्रेजी में उन्होंने ट्रांसलेट किया वो कितना, और ट्रांसलेट करने वाले भी अंग्रेज थे, और वो कितना न्याय संगत था इसको भी नहीं कह सकते हैं। मुकदमे की कार्रवाई में कई बार जफर ने अपने सिग्नेचर और अपनी हैंडराइटिंग को डिनाई भी किया, उसको रिकॉर्ड में कंसिडर नहीं किया गया। उसके अलावा जो जफर के वकील थे गुलाम अब्बास, जो कि उनके दोस्त थे, वो भी अंग्रेजी नहीं जानते थे। कैसा मुकदमा चल रहा था जिसमें एक पक्ष को दूसरे पक्ष की भाषा ही समझ में नहीं आती थी। और इतना ही नहीं, अंग्रेजों ने जफर को इस मुकदमे के खिलाफ अपील का अधिकार भी नहीं दिया। फैसले में ही लिख दिया गया कि आपको अपील का कोई अधिकार नहीं होगा। तो हम इसमें आसानी से कह सकते हैं कि यह पूरा मुकदमा एक तरफा था, एक तरफा इसकी कार्यवाही चली और अंग्रेज जैसा चाहते थे वैसा उन्होंने फैसला लिख दिया।